पहले खबरें देखने के लिए टीडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज और मैं हूं काजल। वृंदावन के रंगजी मंदिर में होगा लठ मेला का आयोजन। 25 फीट ऊंचे चिकने लठ पर चढ़कर पहलवानों द्वारा फोड़ी जाएगी मटकी। अद्भुत दृश्य को देखने के लिए मौजूद रहते हैं भारी तादाद में श्रद्धालु। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अपरंपार हैं और कन्हैया की इन्हीं बाल लीलाओं पर आधारित है रंगजी मंदिर का विश्व प्रसिद्ध यह लठ मेला। इस मेले के दौरान यशोदा नंदन की माखन चोरी की लीलाओं का मंचन किया जाता है। यहाँ पालकी में भगवान दामोदर भेष में दर्शन देते हैं। माखन लूट लीला के बाद रंगजी मंदिर में 25 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभे पर चढ़कर झड़ी उतारने की प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। बता दें कि रंगजी मंदिर वृंदावन में दक्षिण शैली का अनोखा मंदिर है। लठ मेले में दुसायत क्षेत्र से पहलवान आते हैं, जो तेल पानी और दही हल्दी की धार के बीच इस 25 फुट ऊंचे लठ पर चढ़ते हैं। मंदिर के सेवक इन पहलवानों पर तेल पानी की धार और दही हल्दी उड़ेलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक दूसरे दिन वृंदावन में आयोजित होने वाले मशहूर लठ मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग रंगजी मंदिर पहुंचते हैं, जहां पहलवानों के इस करतब को लोग देखते हैं कि कैसे तेल और पानी की धार के बीच ये पहलवान इस लट्ठे पर चढ़ते हैं। दही और हल्दी से लिपटे 25 फीट के इस मोटे लट्ठे पर चढ़ना बेहद ही मुश्किल है। इस दौरान पहलवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो वो बीच से ही फिसल जाते हैं। इस प्रतियोगिता में पहलवानों को ऊंचे लट्ठे पर चढ़कर नारियल और माखन की मटकी पाना होता है। श्रद्धा और रोमांच के इस अद्भुत संगम को देखकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त आनंदित हो। MM सारस्वत, TDC न्यूज, मथुरा।